हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर इसकी फर्स्ट क्लास को नहीं देखा हो तो आप सबसे पहले उस क्लास को देख ले, ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने उस क्लास के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट और बेसिक रूल्स थे उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है। और फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के कंसेप्ट वन को। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सेशन को। जैसा ही फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कंसेप्ट वन को, जिसका नाम है इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, अर्थात अंग्रेजी वर्णमालाओं पर आधारित प्रश्न। और फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट वन इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट के अंदर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे और उन वर्ड को कोड कर रखा होगा। तो हमें यह देखना होता है कि जिस मेथड का यूज करके इन्हें कोड कर रखा है, ठीक उसी मेथड का यूज करके हमें फ्रेंड्स दिए गए वर्ड्स का भी कोड निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, आइए वन बाय वन कर हम इन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल नंबर वन को। फाइंड द अपोजिट ऑफ क्यू यू एंड के। फाइंड द अपोजिट ऑफ क्यू यू एंड के, अर्थात क्यू यू एंड के का हमें विपरीत युग्म बताना है, अपोजिट पेयर बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ध्यान दिला दूं, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि हम दो तरीके से इनके अपोजिट पेयर को बता सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पहला तरीका बताया था कि आप एक हिंट के माध्यम से इनके अपोजिट पेयर को निकाल सकते हैं। जैसे ए टू जेड, ए जेड एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स? अपोजिट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप बचपन में ये सब चीजें पढ़ते होंगे कि ए टू जेड, ए टू जेड, और मैम भी आप लोगों को कई बार ये बोलती होंगी कि बेटा ए टू जेड आप लिख कर लाए। तो इस ट्रिक के माध्यम से या इस हिंट के माध्यम से आप ए और जेड इन दोनों अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था बी वाई, बी वाई क्या है फ्रेंड्स? एक दूसरे के अपोजिट है। और आप डेली यूजेस में बहुत बार इन चीजों को यूज करते हैं या बहुत बार इस वर्ड्स को यूज करते हैं बाय बाय बाय, तो इस मेथड से आप बी बाय जो ये अपोजिट पेयर है इसको याद रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था सी एक्स मीन्स चेन्नई एक्सप्रेस, डी डब्ल्यू दूध वाला, ईवी इवेंट, एफ यू फादर अंकल। ठीक इसी प्रकार से बाकी वर्ड्स के जो अपोजिट पेयर थे वो मैंने आप लोगों को याद कराए थे। तो फ्रेंड्स, अगर हिंट के माध्यम से देखें तो क्यू का अपोजिट होता है जे। और फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था जयपुर की क्वीन के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यू का अपोजिट होता है एफ। और फादर अंकल जो ये हिंट है इसके माध्यम से आप इसके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से के का अपोजिट होता है पी। और काला पानी, काला पानी के माध्यम से इनके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था अपोजिट पेयर निकालने का फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया था इफ सम ऑफ टू लेटर्स बिकम 27, इफ सम ऑफ टू लेटर्स बिकम 27 इट मींस दे आर अपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब, यदि किन्हीं भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए, यदि किन्हीं भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए, इसका यह मतलब है कि वे दोनों जो लेटर्स होंगे क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू किस नंबर पर आता है? 17 पर। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाएगा, इसका यह मतलब है कि वे दोनों लेटर क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब हमें यह देखना है कि इस 17 में क्या ऐड किया जाए कि इनका सम कितना हो जाए? 27 हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा यदि 17 में हम 10 को ऐड कर दें तो इनका सम कितना हो जाएगा? 27। और इस 10 का मतलब होता है फ्रेंड्स जे। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जाते हुए ए बी सी डी, तो जो 10 नंबर पर आता है वो कौन सा लेटर होता है? वो होता है फ्रेंड्स हमारा जे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्यू का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स? जे होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें यू को, तो यू आता है हमारा किस नंबर पर? 21 पर। अब हमें ये देखना है कि इस 21 में किस नंबर को ऐड किया जाए कि इनका सम कितना हो जाए? 27। कितना हो जाए फ्रेंड्स? 27। यदि फ्रेंड्स हम इस 21 में 6 को ऐड कर दें तो इनका सम कितना हो जाएगा? 27। अब इस 6 का क्या मतलब है? इस 6 का मतलब है फ्रेंड्स F, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए ए बी सी डी जिस तरीके से हम पढ़ते हैं तो 6 नंबर पर हमारा क्या आता है?
F। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि U का जो अपोजिट होगा वो कौन सा लेटर होगा, F। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो K है ये आता है हमारा 11 नंबर पर। अब हमें ये देखना है कि इस 11 में किस नंबर को ऐड करें कि इनका सम 27 हो जाए। यदि फ्रेंड्स हम इस 11 में 16 को ऐड कर दें, यदि हम इसमें 16 को ऐड कर दें तो इनका सम कितना हो जाएगा, 27। और 16 का मतलब होता है P। तो इस प्रकार से K का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, P हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या सीखा कि अपोजिट पेयर निकालने के लिए हमारे पास कितनी ट्रिक्स है, दो ट्रिक्स है। पहली ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई कि आप एक हिंट के माध्यम से इनके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था AZ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इसको याद करने के लिए बताया था कि आप A to Z हमेशा बचपन से पढ़ते हुए हैं, जिसके माध्यम से इनके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से BY, फ्रेंड्स ध्यान रहे जो BY है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट पेयर है। अब इसे याद रखने के लिए मैंने बताया था कि आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बार यूज करते हैं बाय, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, पेरेंट्स को एंड सो ऑन। और इसके अलावा आप बहुत से लोगों को भी बोलते होंगे बाय, तो जिसके माध्यम से आप इनके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने बताया था CX क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो चेन्नई एक्सप्रेस के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। DW दूध वाला के माध्यम से इनके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो था तरीका नंबर 1 जिनके माध्यम से आप इनके अपोजिट पेयर को याद रख सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, इफ सम ऑफ टू लेटर्स बिकम 27 इट मींस दे आर अपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब यदि दो लेटर्स का सम 27 हो जाए तो इसका यह मतलब है कि वे दोनों लेटर्स ही क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो मैंने आपको बताया जब क्यू हमारा 17 नंबर पर है तो हमें यह देखना होगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए। तो हमने देखा इस 17 में यदि हम 10 को ऐड कर दें तो इनका सम हो जाएगा 27। और फ्रेंड्स इस 10 का मतलब होता है जे, तो इस प्रकार से क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये फर्स्ट एग्जांपल था बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम देखेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल को। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है SSC और इसका कोड हमें दे रखा है 19193 और हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ CPO, व्हाट इज द कोड ऑफ CPO। ध्यान रहे जब भी इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना है, इन्हें इनके रियल नंबर दे देने। जैसे यहां पर लिखा हुआ है SSC तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, जस्ट इनके जो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक जो रैंक है उन्हें दे देना है। S आता है हमारा 19 नंबर पर, ये S आता है 19 नंबर पर और C आता है 3 नंबर पर। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि मैंने 19 19 3 लिख क्या दिया। तो मैं आप लोगों को बताऊं एक बार और कह रहा हूं कि आप सबसे पहले इसकी फर्स्ट वीडियो को देख लें, क्योंकि मैंने वहां पर इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है कि मैंने एस का नंबर 19 कैसे लिखा, इस एस का नंबर 19 कैसे लिखा और इस सी का नंबर मैंने 3 कैसे लिखा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम इस क्लास को ले रहे होंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने एस का 19 क्या लिखा है। फ्रेंड्स जब भी आप इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ए से जेड की ओर जाते हो, लेफ्ट टू राइट, जब हम ए से जेड की काउंटिंग करते हैं A B C D इस प्रकार से, तो हम क्या पाते हैं ए सबसे पहले नंबर पर आता है और सबसे पहले नंबर पर आने के कारण उसको हम रैंक दे देते हैं 1। इसी प्रकार से ए के बाद आता है बी और बी को रैंक दे देते हैं 2। इसी प्रकार से बी के बाद आता है सी और सी को रैंक दे देते हैं 3। इसी प्रकार से सी के बाद आता है डी और डी को रैंक दे देते हैं हम 4। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम A B C D E F G काउंट करते हैं तो हम पाते हैं कि 19 नंबर पर हमारा क्या आता है, एस आता है। तो इस प्रकार से हमने इसको नंबर दे दिया 19, इस एस को दे दिया 19 और सी आता है हमारा 3rd नंबर पर। अब फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर हमें SSC का कोड दे रखा था 19193, लेकिन हमने जब इसके रियल नंबर को बिठाया तो हमने यहां पे पाया 19193। तो इसका ये मतलब है जो यहां पर हमें 19193 दे रखा है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में 1919 ना होकर क्या है, ये 1993 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, कहने का मतलब जो ये 19 है ये इंडिकेट कर रहा है रियल पोजीशन ऑफ एस को। इसी प्रकार से जो ये 19 है ये इंडिकेट कर रहा है रियल पोजीशन ऑफ
एस को, और जो ये थ्री है ये इंडिकेट कर रहा है रियल पोजीशन ऑफ सी को। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इन्होंने क्या कर रखा है, जो ये एस एस सी है और इसका जो कोड कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर बस इनके रियल वैल्यूज को या रियल नंबर को बिठा रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमें सीपीयू दे रखा है, जो ये हमें सीपीयू दे रखा है, इसकी हम रियल वैल्यूज को बिठा देंगे। जैसे सी आता है 3 नंबर पर, पी आता है 16 पर, और ओ आता है हमारा किस नंबर पर फ्रेंड्स, 15 नंबर पर। तो इस प्रकार से सीपीयू का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31615, और ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सीएटी कैट, और कैट का हमें कोड दे रखा है 24267। सीएटी कैट, और कैट का हमें कोड दे रखा है 24267, और हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ आरओएसई रोज, मींस रोज का हमसे कोड पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार से सीएटी कैट लिख देना है और इनकी रियल वैल्यूज को बिठा देना है। सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 पर, और टी आता है हमारा किस पर फ्रेंड्स, 20 नंबर पर। तो हमने क्या देखा, जो हमारी रियल वैल्यूज है वो है 3120, लेकिन जब हमने यहां पर देखा तो हमने पाया यहां पर 24267 है। तो फ्रेंड्स यहीं पर आप लोगों को सोच रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा, इन्होंने रियल वैल्यूज ना देकर इनके रिवर्स ऑर्डर वाली वैल्यूज को दे रखा हो। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस प्रकार से इनके रिवर्स ऑर्डर को याद रखते हैं, या फिर किस प्रकार से हम इनके रिवर्स ऑर्डर को निकालते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर को निकालने का फॉर्मूला था 27 माइनस एक्चुअल पोजिशन ऑफ नीडेड लेटर, 27 माइनस एक्चुअल पोजिशन ऑफ नीडेड लेटर। कहने का मतलब यदि हम 27 में से जिस भी लेटर का हमें रिवर्स ऑर्डर या रिवर्स पोजीशन चाहिए हो उसके हम क्या करेंगे, एक्चुअल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 27 में से जिस भी लेटर का हमें रिवर्स पोजीशन चाहिए होगा उसका जो रियल नंबर होगा उसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा कौन सा होगा, रिवर्स ऑर्डर होगा। जैसे यहां पर दे रखा है 3, अब हमें सी का चाहिए क्या, रिवर्स नंबर। तो हमें क्या करना है, 27 में से जो इसका रियल नंबर होगा 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इस 27 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा, 24। इसी प्रकार से 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे A के रियल नंबर को, तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा 26। इसी प्रकार से जब हम 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 को तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, 24267 एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो कोड दे रखा है वो तो है 24267, लेकिन जब हमने रिवर्स पोजीशन निकाला तो हमारा क्या आया, सी का रिवर्स पोजीशन 24, ए का रिवर्स पोजीशन 26, और टी का रिवर्स पोजीशन 7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम ये कहेंगे कि 24267 ना होकर क्या है, 24267, और इसका ये मतलब है जो ये 24 है ये इंडिकेट कर रहा है रिवर्स ऑर्डर को, इंडिकेट कर रहा है सी के रिवर्स ऑर्डर को। ठीक इसी प्रकार से जो ये 26 है ये इंडिकेट कर रहा है ए के रिवर्स ऑर्डर को, और जो ये 7 है ये इंडिकेट कर रहा है टी के रिवर्स ऑर्डर को। तो फ्रेंड्स जिस मेथड का यूज हमने यहां पर किया सेम उसी मेथड का यूज हम क्या करेंगे, रोज का आंसर निकालने में भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग एक बार और ध्यान से देखेंगे हमें किसका कोड निकालना है, रोज का, तो आर ओ एस ई। तो सबसे पहले क्या करना है, इन्हें इनके रियल नंबर दे देने। जैसे R आता है 18 पर, O आता है 15 पर, S आता है 19 पर, और E आता है हमारा 5 पर। अब हमें क्या करना है, इनके रिवर्स ऑर्डर चाहिए, तो रिवर्स ऑर्डर निकालने के लिए इनको 27 में से क्या कर देंगे फ्रेंड्स, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखें जब हम 27 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9, 27 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, 27 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, और 27 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 22। तो इस प्रकार से रोज का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 912822, और ये क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेड, आर ई डी रेड, और रेड का हमें कोड दे रखा है 6720। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल रेड का जो रियल नंबर है उसे दे देना है। जैसे आर ई डी रेड, अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, रेड का जो रियल नंबर वो दे देना है। आर आता है 18 पर, ए आता है 5 पर, और डी आता है हमारा 4 पर।
तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा कोड आया है 1854 और यहाँ पर हमें रखा है 6720। तो हमें क्या करना है, इस कोड को इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है कि इन नंबर्स में क्या करा जाए कि हमारी ये वैल्यूज आ जाए। तो फ्रेंड्स, यदि हम 18 में से 12 को सबट्रैक्ट कर दें तो हमारा 6 आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर हम मैक्सिमम 6 तक सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि 6 से ज्यादा वैल्यूज को। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये तो हो नहीं सकता कि हम जो लॉजिक यूज कर रहे हैं कि 18 में से 12 को सबट्रैक्ट कर दो तो हमारा आ जाएगा 6, तो इस प्रकार से ये मेथड तो हम यूज करेंगे नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि इन वैल्यूज में क्या कर रखा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि हम इस 4 में 2 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से 5 में 2 को ऐड कर दें 7 और 18 में 2 को ऐड कर दें तो 20। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने क्या कर रखा है, राइट टू लेफ्ट +2 +2 +2 कर रखा है, राइट टू लेफ्ट +2 +2 +2 कर रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी मेथड का यूज करके हम कैट का कोड निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं सी आता है 3rd नंबर पर, ए आता है 1 पर और टी आता है 20 नंबर पर। तो हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट +2 ऐड कर देना है, राइट टू लेफ्ट +2 ऐड कर देना है, 20 + 2 = 22, 1 + 2 = 3 और 3 + 2 = 5। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका कोड क्या हो जाएगा, 2235, 2235, और ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैंगो, और मैंगो का कोड हमें दे रखा है 41576, 41576। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या करना है, जो हमें वर्ड दे रखा है उस पर उसकी रियल वैल्यूज को बिठा देना है। जैसे M A N G O मैंगो, तो M आता है 13 नंबर पर, A आता है 1 पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पर और O आता है हमारा फ्रेंड्स 15 नंबर पर। तो हमने क्या देखा, यहां पर हमारा है 1 3 1 1 4 7 1 5 और हमें यहाँ पर कोड दे रखा है 41576। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, जब भी वैल्यू डेसिमल में आ जाए, डेसिमल में आने का मतलब है कि जब भी वैल्यू टू डिजिट्स में आ जाए, जैसे 13 टू डिजिट्स वैल्यू, 14 टू डिजिट्स वैल्यू और 15 टू डिजिट्स वैल्यू, तो आपको क्या करना है, इनमें या तो प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 4, तो ये माइनस तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यदि हम इन वैल्यूज को ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 4। 1 को एज इट इज इन्होंने ऐसे लिख दिया है, यदि हम 14 को ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा, 7 को एज इट इज इन्होंने ऐसे लिख दिया है, यदि हम 15 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6। कहने का मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि जो भी वैल्यू टू डिजिट्स में उनको तो ऐड कर दिया है, जैसे 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5, 1 + 5 = 6, लेकिन जो सिंगल डिजिट्स में वैल्यू थी उन्हें एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा क्या कोड बन गया, 41576। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ लीची, व्हाट इज द कोड ऑफ लीची, LITCHI, और आप सभी जानते हैं एल आता है 12 नंबर पर, आई आता है 9 पर, टी आता है 20 पर, सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पर और आई आता है 9 पर। तो हमें क्या करना है, जो भी टू डिजिट्स में होगी उनको ऐड कर देना है, 1 + 2 = 3, 9 एज इट इज ऐसे रहेगा, 2 + 0 = 2, 3 एज इट इज ऐसे रहेगा, 8 एज इट इज ऐसे रहेगा और 9 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो ये वैल्यूज है सिंगल डिजिट्स में। तो इस प्रकार से हमारा कोड क्या बन जाएगा, 392389, और यही क्या होगा, लीची का कोड होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SUN, सन, और सन का कोड दे रखा है 135, क्या दे रखा है फ्रेंड्स 135। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो सन दे रखा है उस पर उसकी रियल वैल्यूज को बिठा देना है, जैसे SUN सन, S आता है 19 नंबर पर, U आता है 21 पर और N आता है हमारा 14 पर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी वैल्यू टू डिजिट्स या डेसिमल में चली जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल उन्हें ऐड करना है, जैसे 1 + 9 = 10। अब फ्रेंड्स ध्यान रहे 1 + 9 इसको जब हमने ऐड किया 10 तो हुआ, लेकिन अभी भी ये वैल्यू किस में है,
डेसिमल में, तो इसलिए इसे एक बार और ऐड करेंगे तो 1 + 0 कितना होता है फ्रेंड्स 1। तो इस प्रकार से 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और हम देख पा रहे हैं 1 + 4 कितना होता है फ्रेंड्स 5। तो इस प्रकार से 1 3 5 1 3 5 क्या है फ्रेंड्स हमारे सन का कोड है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मून के कोड को निकाल लेंगे MOON। M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, O आता है 15 पर और N आता है 14 पर। तो हमने क्या देखा 13 1 + 3 4, 15 1 + 5 6, 1 + 5 6 और 14 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 + 4 5। तो इस प्रकार से इसका कोड क्या हो जाएगा 4 6 6 5, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो मून का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 6 6 5। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैं यहां से पूरा इनको रफ कर दूं। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो, और मैंगो का कोड हमें दे रखा है 2/3। क्या दे रखा है फ्रेंड्स 2/3 MANGO, और मैंगो का कोड हमें दे रखा है 2/3। अब फ्रेंड्स देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो कि उसका आंसर फ्रैक्शन में दिया गया हो, जब फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हो कि उसका आंसर फ्रैक्शन में दिया गया हो, जैसे हमें यहां पर दे रखा है मैंगो, और मैंगो का जो कोड दे रखा है वो किस में दे रखा है फ्रेंड्स फ्रैक्शन में। तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि कहीं इन्होंने कॉन्सोनेंट और वोवेल वाले मेथड को तो यूज नहीं कर रखा, जैसे जो ये 2 लिखा हुआ है कहीं ये 2 वोवेल्स की काउंटिंग हो या फिर कॉन्सोनेंट की काउंटिंग हो। ठीक इसी प्रकार से जो ये 3 हमें दे रखा है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इन्होंने जो वोवेल्स हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिख रखा हो, या फिर कॉन्सोनेंट मीन्स वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। यदि फ्रेंड्स वोवेल और कॉन्सोनेंट का यूज नहीं किया गया होगा तो फिर हमें ये देखना होगा कहीं इन्होंने ऑड और इवन नंबर्स का तो प्रयोग नहीं कर रखा होगा, और ऑड और इवन का कैसे फ्रेंड्स, जैसे एम आता है 13 नंबर पर तो ये कैसा नंबर है एक ऑड नंबर है। ठीक इसी प्रकार से एन आता है 14 नंबर पर तो ये कैसा नंबर है एक इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा कि जो ऑड नंबर वाले हैं उनकी काउंटिंग करके ऊपर लिख रखी हो और इवन वालों की नीचे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चेक करेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट को। आप सभी लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू ये क्या है हमारे वोवेल्स हैं, तो हम देखेंगे कि कहीं वोवेल्स की काउंटिंग करके ऊपर तो नहीं लिख रखा। तो हम देख पा रहे हैं कि ए और ओ जो ये ए है ये क्या एक वोवेल है। ठीक इसी प्रकार से जो ये ओ है ये क्या है एक वोवेल है। तो हमने देखा इस मैंगो के अंदर ए ओ दो क्या है वोवेल्स, तो इन्होंने क्या कर रखा होगा कि वोवेल्स को काउंट करके ऊपर लिख रखा होगा। फिर हमने देखा एम एन जी ये तीनों क्या है फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट है, और इन्होंने क्या करा कि कॉन्सोनेंट लेटर्स को काउंट करके नीचे लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि यही रूल इन्होंने यहां पर अप्लाई कर रखा है या फिर नहीं। तो हमने देखा एप्पल ए डबल पी एल ई, और आप लोग जानते हैं इसमें ए और ई दोनों क्या है वोवेल्स, और दो वोवेल्स होने के कारण इन्होंने इनको लिख दिया ऊपर। अब पी पी एल तीनों कॉन्सोनेंट है तीनों को लिख दिया नीचे। फिर फ्रेंड्स हमने देखा एस यू एन जिसमें यू क्या है हमारा वोवेल, तो एक है फ्रेंड्स कितने वोवेल्स हैं इस एन में 1, तो 1 ऊपर लिख दिया और दो कॉन्सोनेंट है उसे लिख दे नीचे। तो अब हम ये देखेंगे एम डबल ओ एन मून, मून में कितने वोवेल्स और कितने हमारे कॉन्सोनेंट है। तो फ्रेंड्स जो ये ओ है दोनों ही वोवेल्स है, तो इस प्रकार से 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से जो मून है इसका जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैंगो, और मैंगो का कोड दे रखा है 50, दिल्ली दिल्ली का कोड दे रखा है 38, और हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ मुंबई। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं सिंपल इन पर नंबर बिठा देने, एम आता है 13 नंबर पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 पर और ओ आता है 15 पर। अब देखो फ्रेंड्स आपने अगर यहां पर ध्यान दिया होगा तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमें यहां पर दे रखा है मैंगो, और मैंगो का कोड है 50, मींस मैंगो का कोड है 50। मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि आप किस प्रकार से इन क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, मींस
किस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें हमने क्या करा, इनको नंबर दिया, तो आपको यही सोचना होगा कि कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं कर रखा कि नंबर्स को ऐड कर रखा हो। अब हमारे माइंड में ये लॉजिक कैसे गया कि ऐड कर रखा होगा, क्योंकि ये क्या है, एक छोटे छोटे नंबर है और आप सभी लोग जानते हैं ये तो है छोटे छोटे नंबर, लेकिन हमें यहाँ पर ये दे रखा है एक बड़ा नंबर। ये बड़ा नंबर तभी हो सकता है जब इन लेटर्स को, जब इन नंबर्स को या तो ऐड किया गया हो या फिर मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड्स ये उतना ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है कि हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देखेंगे। तो देखें 13 प्लस 1 14, 14 और 14 28, 7 35 प्लस 15 50। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने क्या कर रखा है, सम ऑफ लेटर्स मींस इन सभी लेटर्स का सम करके इधर लिख रखा है। इसी प्रकार से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दिल्ली जो ये लिखा हुआ है इसके कोड को चेक करेंगे। D आता है 4 पर, E आता है 5 पर, L आता है 12 पर, H आता है 8 पर और I आता है 9 पर। 9 और 8 17, 17 प्लस 12, 17 में फ्रेंड्स 2 ऐड करो, 19 और 10 29, 29 और 5 34 प्लस 4 38। तो हमारे माइंड में एक लॉजिक चला गया कि इन्होंने क्या कर रखा है, इन लेटर्स का सम कर रखा है। सिंपल सा क्या कर रखा है फ्रेंड्स, इन लेटर्स का सिंपल सम कर रखा है। तो फ्रेंड्स वही लॉजिक हम अपने आंसर में भी यूज करेंगे। मुंबई क्या है फ्रेंड्स, मुंबई। तो देखें मुंबई का क्या कोड होगा, एम आता है 13 पर, यू आता है 21 पर, एम आता है 13 पर, बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर और आई आता है 9 पर। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 13 25, 25 और 21, 25 और 21 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 46 और 13। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जो मुंबई का कोड हो जाएगा कितना हो जाएगा 59 और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा स्टेट, और स्टेट का कोड हमें दे रखा है 13। तो देखेंगे उस क्वेश्चन को एक बार। देखें फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से बस एक ही बात बोला कि जब भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको सिंपल क्या करना है, इन्हें इनकी रियल वैल्यूज दे देनी है। क्या करना है, इन्हें इनकी रियल वैल्यूज दे देनी है। जैसे STATE स्टे, और स्टेट का कोड इन्होंने दे रखा है 13। अब हमने देखा कि S आता है 19 नंबर पर, T आता है 20 पर, A आता है 1 पर, T आता है 20 पर और E आता है हमारा 5 पर। अब देखें ये वैल्यूज क्या है फ्रेंड्स, बड़ी वैल्यूज है। कैसी है, बड़ी वैल्यूज। तो जब भी इस टाइप की वैल्यूज हो और हमें आंसर छोटा दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इनको प्लस करके डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू छोटी तभी होगी जब उसे या तो सब्ट्रैक्ट कर रखा होगा या फिर डिवाइड कर रखा होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। जैसे 19 प्लस 20 39 प्लस 1 40 प्लस 20 60 प्लस 5 65। तो हमने देखा जब हमने इनका सम किया तो कितना आया 65, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 13। तो अब हमें ये देखना होगा कि 65 से 13 पर कैसे जाया जाए। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि 65 से 13 पर जाने के लिए या तो आपको डिवाइड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट। लेकिन ध्यान रहे हम सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जबकि हमें पता है कि इनके अंदर मैक्सिमम हम 6 तक क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली सी बात है कि हम क्या करेंगे, इनमें डिवाइड करेंगे। यदि फ्रेंड्स हम इसमें एक कॉन्स्टेंट नंबर जो कि कितना है 5, उससे डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जिस मेथड का यूज हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में किया है ठीक उसी मेथड का यूज यहाँ पर भी हो रहा है या नहीं। तो देखें एप्पल APPLE। तो फ्रेंड्स देखें A आता है 1 पर, P आता है 16 पर, P आता है 16 पर, L आता है 12 पर और E आता है हमारा किस पर 5 पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 16 23, 23 प्लस 16 39 और प्लस 1 40। तो हमने क्या देखा, इनका सम कितना आ रहा है 40। कितना आ रहा है फ्रेंड्स 40 आ रहा है। यदि हम इस 40 को एक कांस्टेंट नंबर जो कि कितना है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, हमारा आएगा 8।
कितना आएगा फ्रेंड्स 8। और यहाँ पर भी देखें फ्रेंड्स, ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 10 नहीं कितना है 8। तो हमने क्या देखा कि जब हमने एक कांस्टेंट नंबर 5 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम चेक करेंगे फैमिली को भी। किसको चेक करेंगे फ्रेंड्स? फैमिली को भी चेक करेंगे कि उसी मेथड का यूज करके फैमिली का कोड 11 आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखें यहां पर लिखा हुआ है फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। एफ आता है 6 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर और वाई आता है हमारा किस पर 25 पर। तो देखें फ्रेंड्स 6 और 1 7, 7 और 13 20, 20 और 9 29, 29 और 12 41 और 41 और प्लस 25 कितना होता है 66। और हमने क्या करना है, एक कांस्टेंट नंबर जो कि कितना है 5 उससे डिवाइड करना है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। अब आपको यहीं पर यह सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा है इन्होंने, जो ये 5 से डिवाइड किया है ये कांस्टेंट नंबर ना होकर नंबर ऑफ लेटर्स हो, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड हो। कहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं जो ये हमने 5 से डिवाइड किया था एक कांस्टेंट वैल्यू मानकर, इसको कांस्टेंट वैल्यू ना मानकर कहीं इन्होंने ऐसा कर रखा हो जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनमें जितने लेटर्स हो उसी से डिवाइड कर रखा हो। जैसे 1 2 3 4 5, देयर आर 5 लेटर्स इन अ स्टेट। हमने क्या देखा कि जो स्टेट वर्ड है इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। कितने हैं 5, और उसी 5 से डिवाइड कर रखा हो। यदि फ्रेंड्स हम ऐसा मानकर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 13 एकदम ठीक है। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो हमने देखा कि देयर आर 5 लेटर्स इन अ एप्पल वर्ड, मींस जो ये एप्पल वर्ड दे रखा है इसके अंदर भी कितने लेटर्स हैं 5। यदि हम 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 8। फिर फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से देखेंगे कि जो फैमिली वर्ड है इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6। तो यदि फ्रेंड्स हम इस 66 में 6 से डिवाइड दें और जो ये 6 है वो क्या है फ्रेंड्स, 6 जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ फैमिली है। मींस इस फैमिली में जितने लेटर्स हैं उससे हमने क्या करा यहाँ पर डिवाइड दे दिया। जब इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा 11। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इससे पहले हम जो लॉजिक यूज कर रहे थे कि हम एक कांस्टेंट नंबर जो कि 5 था उसे डिवाइड कर रहे थे, उसका यूज ना कर इन्होंने क्या कर रखा है कि लेटर के अंदर जितने वर्ड्स हैं उससे डिवाइड कर रखा है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम नन का क्या कर लेंगे, कोड निकाल लेंगे, NONE। तो N आता है 14 पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर और E आता है 5 पर। तो फ्रेंड्स देखें 14 प्लस 14 28 प्लस 14 42 और एक जो इधर रह गया था 43 प्लस 5 48। और हमने देखा कि इसके अंदर कितने वर्ड है 1 2 3 4, यदि हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो इस प्रकार से नन का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा। फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन और है, आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को और देखें। उसके बाद जो ये हमारा कंसेप्ट चल रहा है कंसेप्ट 1 इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मून, और मून का कोड हमें दे रखा है 12 और हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ नून। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया जब भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, जो हमें वर्ड दे रखा होगा उसके रियल नंबर्स दे देने। जैसे यहां पर हमें वर्ड दे रखा है मून, क्या दे रखा है फ्रेंड्स मून, MOON। तो हमें क्या करना है सिंपल इनके रियल नंबर दे देने। जैसे M आता है 13 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर और फ्रेंड्स N आता है हमारा 14 नंबर पर। तो देखें 15 और 15 30 प्लस 27 तो ये कितना हो गया 57, कितना हो गया फ्रेंड्स 57। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी टू डिजिट में वैल्यू आ जाए, जब भी टू डिजिट में वैल्यू आ जाए तो फ्रेंड्स इन वैल्यूज को आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। यदि फ्रेंड्स हम 5 प्लस 7 इन्हें ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये वर्ड दे रखा है मून, इसका कोड हमें क्या दे रखा है
12। और ये 12 किस प्रकार से दिया है, इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि जो हमें वर्ड दे रखा है उनका पहले रियल नंबर निकाला, और रियल नंबर निकाल कर उन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया, और फ्रेंड्स फिर इन्होंने उस रिजल्ट को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने इस मून का कोड निकाला है, ठीक उसी तरीके से हम अपने नून का कोड निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, नून एन डबल ओ एन, जिसमें एन आता है हमारा 14 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, और एन आता है फ्रेंड्स 14 नंबर पर। आप सभी लोग जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि ये लेटर इस नंबर पर आता है, आप भी बोलें, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप मेरे साथ बोलोगे तो आपको इनकी रियल वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखें, 15 और 15 30, और 30 प्लस 28 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 30 प्लस 28 ये हमारा हो जाएगा 58। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लेटर्स को भी ऐड कर देना है, 5 प्लस 8 13। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो ये हमारा वर्ड नून है इसका क्या कोड हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फ्रेंड्स हम देखेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लैंप, और इसका कोड हमें दे रखा है 2136। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो ये वर्ड दे रखा है लैंप, इसके रियल नंबर्स दे देने, जैसे एल ए एम पी लैंप, जिसमें एल आता है हमारा 12 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, और पी आता है हमारा फ्रेंड्स 16 नंबर पर। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा कोड आया है 1211316, लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है 2136। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी कोई भी लेटर 2 डिजिट में आ जाए, जैसा कि हमें यहाँ पर दे रखा है एल 2 डिजिट मीन्स 12, एम 2 डिजिट मीन्स 13, पी 2 डिजिट्स नंबर मीन्स 16, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को या तो प्लस करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखें, अब हमें ये देखना है कि जो ये हमें 1 to 12 दे रखा है, इसे आप 12 भी बोल सकते हो और 1 to भी बोल सकते हो। तो अब हमें ये देखना होगा कि इस 1 to में क्या किया जाए कि हमारा 2 आ जाए। तो फ्रेंड्स यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं 1 + 2 को, 1 + 2 को, तो हमारा कितना आएगा, 3, जो कि फ्रेंड्स हमारे इस 2 के क्या है, बराबर नहीं है। अगर फ्रेंड्स मैं इस 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो हमारा आएगा -1। इसका ये मतलब है, ना तो ये वैल्यू ऐड हो रही है और ना ही ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। और फ्रेंड्स यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, तो ये हमारी जो वैल्यू है डिवाइड भी नहीं हो रही है। इट मीन्स यदि हम 1 × 2 कर दें, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 × 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जो ये 2 डिजिट नंबर है, इन्होंने आपस में ना मल्टीप्लाई कर रखा है, और जो सिंगल डिजिट है उसे एज इट इज ऐसे ही उतार रखा है। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, 13। यदि हम इसे 1 × 3 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3। और इसी प्रकार से यदि हम 16 में 1 × 6 कर दें तो कितना आ जाएगा, 16। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी वैल्यू 2 डिजिट में थी, डेसिमल में थी, उनको इन्होंने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सन का कोड निकाल लेंगे। हमें वहाँ पर क्या दे रखा है, सन। आप सभी लोग जानते हैं कि एस आता है हमारा 19 नंबर पर, यू आता है हमारा 21 नंबर पर, और एन आता है हमारा 14 नंबर पर। ये सभी जो वैल्यूज है 2 डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 1 × 9 9, 2 × 1 2, और 1 × 4 4। इट मीन्स जो इसका कोड हो जाएगा सन का, 9 to 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 to 4, क्या हो जाएगा, 9 to 4, और यही हमारा सन का कोड होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बोट, जिसका कोड हमें दे रखा है 2 4 11 13 16। तो आपको सिंपली क्या करना है, बोट लिखकर उसके रियल नंबर्स दे देने हैं, जैसे बी ओ ए टी बोट। तो हमने क्या देखा, बोट यहाँ पे लिख दिया, अब इसके रियल नंबर्स क्या है, 2 15 1 और 20, और हमें यहाँ पर दे रखा है 24 11 23
और 16। तो फ्रेंड्स अब हमें ये चेक करना है कि किस प्रकार से 2 से 24 बना, 15 से 11 बना और 1 से 23 बना और 20 से 16 बना। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, यदि हम इस 20 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 4 को तो आ जाएगा 16। ठीक इसी प्रकार से इस 15 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 4 को तो हमारा आ जाएगा कितना, 11। अब फ्रेंड्स बात यहां पर आती है कि यदि हम इस 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है -3। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी इंग्लिश अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हो और वैल्यू आपकी माइनस में चली जाए, जब भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो और आपकी वैल्यू माइनस में चली जाए तो आपको क्या करना है, उसमें 26 को ऐड कर देना है। और जब हम इसमें 26 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखा, जब हम 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम इस 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, -2। और जब ये वैल्यू माइनस में चले जाए तो हमें इसमें क्या करना है, 26 को ऐड कर देना है। और जब हम इसमें 26 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्होंने 2 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करके 24 किस प्रकार से लाया। अब फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखें, जब भी वैल्यू माइनस में चले जाए तो आप उसमें क्या करते हैं, 26 को ऐड कर देते हैं। और यदि वैल्यू इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ही 26 से ऊपर चली जाए, लाइक 27, 28, 30, 29, तो अब आपको क्या करना है, इनमें से 26 को ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 28 में से 26 गए तो 2, 30 में से 26 गए तो 4 और 29 में से 26 जाएगा तो 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को निकाल लेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है सिंपल सा, जब भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपकी वैल्यू माइनस में चले जाए तो आपको वहां पर क्या करना है, प्लस 26 कर देना है। और इसकी जगह यदि वैल्यू 26 से ऊपर हो जाए, मोर देन 26, इसका ये मतलब है वहां पर आप क्या करोगे, उस वैल्यू में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली, जिसका कोड हमें दे रखा है 168, फिर है एप्पल और एप्पल का कोड दे रखा है 180, बट जिसका कोड दे रखा है 121 एंड हमसे पूछ लिया है फाइंड द कोड ऑफ मुंबई। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स होंगे वो कर भी देंगे, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। तो आप सभी लोग देखें यहां पर क्या दे रखा है हमें, दिल्ली। तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, आपको सिंपली क्या करना है, इनके जो रियल नंबर्स हैं उन्हें दे देना है। जैसे डी आता है 4 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर और आई आता है हमारा 9 नंबर पर। अब फ्रेंड्स देखें, जब भी वैल्यू बड़ी हो, जब भी वैल्यू एकदम बड़ी हो, इसका ये मतलब होता है कि वहां पर इन्होंने या तो मल्टीप्लाई कर रखा होगा या फिर प्लस। अब आप सभी लोग जानते हैं प्लस तो इतना ज़्यादा कर नहीं सकते हम कि जैसे 150, 200, 300 प्लस कर दें जिससे कि हम इस वैल्यू को ले आए। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। मेरा कहने का सिंपल सही मतलब है, जब भी वैल्यू एकदम बड़ी हो जाए तो फ्रेंड्स इसमें दो ही केस बनते हैं, या तो प्लस कर रखा होगा या फिर मल्टीप्लाई। लेकिन प्लस भी हम जो करते हैं वो एक लिमिट तक करते हैं, 10-12 नंबर तक करते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो 15-20 तक, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 130, 40, 50, 60 या 150 तक ऐड करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पर इन्होंने किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमने इन सभी को इनके रियल नंबर दे दिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर कर देखेंगे। 5+4 9, 9+12 21, 21+8 29, 29+9 38। क्या है फ्रेंड्स, 38। तो देखें अब हमें ये देखना है कि इस 38 में क्या ऐड करें कि हमारा 168 आ जाए। यदि फ्रेंड्स इस 38 में 130 को ऐड कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये
168 हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि जिस प्रोसेस को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, क्या वही प्रोसेस इस एप्पल में भी अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखें, हमें दे रखा है एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो फ्रेंड्स ए आता है हमारा फर्स्ट नंबर पर, पी आता है 16 पर, पी आता है 16 पर, एल आता है 12 पर, और ई आता हमारा किस पर फ्रेंड्स, 5 पर। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो 1 + 16 = 17, 17 + 16 = 33, 33 + 12 = 45, 45 + 5 ये कितना हो गया 50। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 130, तो हमारा कितना आ जाएगा 180। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इन्होंने इन क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है कि जो हमें वर्ड दे रखा है, सबसे पहले उनके रियल नंबर दिए, रियल नंबर देने के बाद जो सम आया उसमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि 130 है उसे ऐड कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसके अंदर फ्रेंड्स हम इतनी बड़ी वैल्यू को ऐड नहीं करते, और जब हम इतनी बड़ी वैल्यू को ऐड नहीं करते तो इसका ये मतलब है कि जो ये 130 है ना किसी का मल्टीपल होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम बात करें इस 130 की, तो ये 130 आया तो आया कैसे और ये क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं 26, और इस 26 को इन्होंने नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड, मतलब कि एक वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं, जैसे कि दिल्ली में 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली वर्ड है इसको रियल नंबर दिया, रियल नंबर देने के बाद जो सम आया इसमें ऐड कर दिया 26 × 5 के मल्टीपल को। तो इस प्रकार से हमारा क्या आया फ्रेंड्स, 168। और ठीक इसी प्रकार से इसका सम किया तो आया कितना 50, और अब हमने 26, और जो ये 26 है ये है फ्रेंड्स हमारा नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जितने की हमारे इस वर्ड में लेटर है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन्होंने यहाँ पर 130 को ऐड कर रखा था। मैं आप लोगों को बताऊं, जो ये हम बोल रहे हैं 130 को ऐड करना, ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इन्होंने जो 26 है इससे मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ लेटर को। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इस बट का कोड निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर दे रखा है बट, BUT बट, अब बट का कोड हमें दे रखा है इन्होंने 121। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये 121 आया कैसे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बी आता है सेकंड नंबर पर, यू आता है 21 पर, और टी आता है हमारा 20 पर। तो देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। 20 + 21 = 41 + 2 = 43, तो इनका सम कितना हो गया 43 प्लस 26 नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वर्ड या नंबर ऑफ लेटर से इन अ वर्ड। तो 1, 2, 3 कितने लेटर है, 3। और अब हम ये देखेंगे कि 26 × 3 = 78, और 78 + 43 तो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 121, कितना हो जाएगा 121। तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इस मुंबई का कोड निकाल लेंगे। तो मुंबई का कोड निकालने के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग यहां पर देखें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मुंबई का जो रियल नंबर है उसे दे देना है, जैसे MUMBAI, M आता है हमारा 13 नंबर पर, U आता है 21 पर, M आता है 13 पर, B आता है सेकंड पर, A आता है 1 पर, और I आता हमारा 9 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। 13 + 21 = 34 + 13 = 47 + 2 = 49 + 1 = 50 + 9 = 59। अब हम क्या करेंगे, इस 59 में ऐड कर देंगे 26 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर्स इन मुंबई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 6 + 36 = 3,
सिक्स टू जै ट्वेल्व और थ्री 15 प्लस 59। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे 9 6 15 कैरी 1, 5 4 5 10 और 1 11 कैरी 1 और 1 और 1 2। तो इस प्रकार से जो मुंबई है इसका क्या कोड हो जाएगा फ्रेंड्स 215 इसका कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।